हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस, सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैं रेलवे के पुल में हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, और अभी मैं जा रहा हूँ गांधी इंटर कॉलेज। एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। गाइस, फेमस हो गया पूरा ओर ही अपना, तो आप देखेंगे। तो अभी चलते हैं फटाफट से, यहाँ से जाना पड़ता है मुझको जैसा कि आपको पता है, और निकलते हैं अपन लोग जल्दी से। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है हम लोगों का आज, काफी खास दिन है, तो फिर चलते हैं। ओके, सो गाइस, ये है गांधी महाविद्यालय, आप देख सकते हैं गाइस। ये मैं सूट ले रहा हूँ पुल से, और गाइस ऐसे थोड़ी ना टीवी में आ जाता है, आप देख सकते हैं। और ये बिल्डिंग अभी तैयार हो रही है हमारी, भागवत बैठी है, और नेशनल पंडित जी हमारी जो भागवत करते हैं। और गाइस, यहाँ से आपको दिख नहीं रहा है, आप थोड़ी वहाँ पे जाना तो बहुत भीड़ है आपको। फिलहाल पार्किंग में आ चुके हैं हम लोग, पार्किंग के बाद सीधे गांधी इंटर कॉलेज के लिए निकल जाएंगे हम लोग। थोड़ी देर कुछ प्रवचन सुनेंगे, उसके बाद जाएंगे घर पे, तो आपको दिखा देते हैं सब कुछ पहले। आदि को शंकराचार्य भगवान ने तीन बातें बताई जाते हैं, लेकिन मन में मोक्ष की कामना ही जो जैसे हैं जी रहे हैं ठीक है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीन अवस्थाओं में रहकर चले जाते हैं। जबकि तीन अवस्थाओं के बाद एक अवस्था और आती है जिसको वेदांतियों ने तुरीय अवस्था कहा, ज्ञानियों ने समाधिस्थ अवस्था कही, जिसको जहां पहुंचकर जीव एकत्व को प्राप्त होता है, और जहां जीव मुक्त ही हो जाता है, रूप में भगवान पुत्र बनकर उठाए। क्या संस्कार होगा बच्चों में, मनु महाराज है, और ये गिरारायण भगवान जब बड़े हुए तो दक्षिणा नाम की कन्या के साथ उनका ब्याह हुआ। ये दक्षिणा जो है ना, ये जब गाइस आप देख सकते हैं भागवत, और आप आस्था पर लाइव देख सकते हैं टीवी पर घर पे बैठे, और मैं अभी भागवत पर हूँ शांति से। स्वयं परांबा भगवती उनके घर बेटी बनकर सती माता के रूप में, जिनका ब्याह भगवान शंकर के साथ हुआ वो कथा विस्तार से रामायण में आती है।
तो मनु महाराज का दाम्पत्य क्या संस्कारों से भरा हुआ। विवाह करना अच्छी बात है तय, लेकिन हम हमारे दाम्पत्य जीवन को जब संस्कारवान बनाए और अच्छी बात, विवाह करो तो कोशिश ये करना हमारा दाम्पत्य मनु सतरूपा की तरह। क्या संस्कार होगा उनके दाम्पत्य में? परमात्मा का मन करने लगा कि ऐसी माता के गर्भ से मैं जन्म शौतली माता के वचनों का उदाहरण मान में लीन। अबे मजा थोड़ी ना, बिल्कुल भक्ति में लीन। और गाइस अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सबसे ज्यादा मेन चीज जो है आस्था पर लाइव। आप लोग गाइस देख सकते हैं आस्था पर लाइव और एक की भागवत गांधी इंटर कॉलेज पर, और पूरी टीम आई हुई है। आप देख सकते हैं कैसे कैंप लगाया हुआ है आस्था वालों ने, और वो आप वो बस देख रहे हैं, देख ही थे आप, आस्था कंपनी की है पूरी, और यहाँ पर कैंप लगा रखा है। और आस्था चलिए और नजदीक चलते हैं, देखते हैं मतलब क्या क्या सेटअप हुआ है पूरा। ये देखिए गाइस आस्था, ये बस है और आस्था वालों की। सो गाइस आ चुके हैं अभी बाहर और बिल्कुल मजा आ गया एकदम से, तबीयत मस्त हो गई मेरी। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे और आपको टीवी पे दिखाते हैं पूरा लाइव प्रसारण। शायद आ गई होती मेरी वीडियो, और कल गाइस मेरी वीडियो आ गई थी टीवी पे और बेबे की भी आ गई थी टीवी पे, तो आज हम लोग खुश तो जा रहे हैं घर पे और बहुत मजा आया। और भंडारा होगा इतना झेल के आपको मजा आ जाएगा, बहुत भयंकर होगा, इतने भयंकर सिद्धार्थ होंगे, इतने भयंकर मजा आ जाएगा। गाइस आप देख सकते हैं हम जहाँ से अभी अभी आ रहे हैं आस्था पर लाइव। ये तीन चीजें दुर्लभ है, देखो भागवत कौन कौन सी चीज, और स्टेशन रोड। मैंने कल भी कहा कि आप देख सकते हैं गाइस यही है ना, नहीं मिला चिन्मयानंद बापू जी, ईश्वर की कृपा के कारण मिला। आप देख सकते हैं गाइस मानव का तन प्राप्त होना, टीवी पर आप लाइव देख सकते हैं घर पे बैठे बैठे, और मानव और ही गया है। थोड़ी दूर में मैं बैठा था और कल मैं आया था, पता नहीं आज आया हूँगा शुक्रिया होगा। ये है हमारे महाराज, और याद रहे मोक्ष ये है पूज्य बापू जी के मन में मोक्ष की कामना दुर्लभ। आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर लिखा है लाइव, मोक्ष तो करगत हो सकता है भैया, ले लो मेरा सूट। और मन में मोक्ष की उत्तर प्रदेश मन में कामना आए, यही दुर्लभ है टीवी पर।